हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेच। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए है। इस वीडियो में हम 20 ऐसे जीके के सवाल डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत किया है। तो सब मिला करके 100 से भी ज्यादा शिफ्टों का ऑफिशियल आंसर की को एनालिसिस किया है। और दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी सवाल को फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको भी मैं फुल डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है इसका ऑफिशियल आंसर की से, ताकि आपको भरोसा भी हो सके। ओके, चलिए एक के बाद एक फुल डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है जो कि बार बार पूछा जाता है, अमोनियम सल्फेट। ओके, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH4 2SO4। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। और दोस्तों, अमोनियम आयन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम आयन का NH4+ होता है। दोस्तों, और एक केमिकल कंपाउंड का भी फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। इसको दोस्तों ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। और दोस्तों, सल्फेट से और एक भी सवाल पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फोरस एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO4 और सल्फोरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO3। ओके, ये सल्फोरस, ये सल्फ्यूरिक। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बस इतना ही याद रखना है इससे। दोस्तों, वीडियो में जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा करके रखें, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें कि दोस्तों मोस्ट रिपीटेड मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल डिस्कस करेंगे, उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश से और भी सवाल आते हैं, जैसे कि खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? खजुराहो टेम्पल दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। और सांची स्तूप दोस्तों कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। दोस्तों, इससे और भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ है, कुंदलपुर जैन टेम्पल्स कहाँ है। दोस्तों, सभी का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, और दोस्तों इसको भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसके चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और इसका कैपिटल है भोपाल, इसका लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रसिद्ध यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ह्यूनसांग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूनसांग। और दोस्तों, ऑप्शन बी में है मार्को पोलो। ये दोस्तों हमारे भारत आए थे कायल राजा के समय। राजा का नाम है कायल, जो कि एक पांड्य राजा है। और दोस्तों, ये जो फाइयान, ये भी बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, ये फाइयान आए थे चंद्रगुप्त 2 के समय। ओके, चंद्रगुप्त 2, जिनको कि विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके समय आए थे फाइयान। दोस्तों, कुछ और भी प्रमुख विदेश यात्री हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी याद रख लीजिए। इबन बतूता दोस्तों वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। उसके बाद कैप्टन हकिंस, ये जहांगीर के समय आए थे। और दोस्तों डिमास्कस दोस्तों ये बिंदुसार के समय आए थे। किस राजा के समय? बिंदुसार के समय। उसके बाद दोस्तों बारावसा दोस्तों कृष्णदेव राय के समय आए थे। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थिनिस कब आए थे? दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। बस इतना ही याद रखना है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मिनामाटा रोग के कारक होते हैं? ऑप्शन में है लीड, साल्मोनेला, मिथाइल मर्कुरी, परकोलेट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल मर्कुरी। चलिए दोस्तों, इसके रिलेटेड कुछ और भी सवाल देख लेते हैं इसके रिलेटेड। ओके दोस्तों, पहला है, ये जो लीड यहाँ पे दिया हुआ है, लीड का पॉइजनिंग से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, लीड का पॉइजनिंग से प्लम्बिजिंग रोग होता है। उसका स्पेलिंग भी देख लीजिए, प्लम्बिजिंग। ओके, और दोस्तों ये भी बार बार पूछा जाता है, काडमियम की पॉइजनिंग से। ओके, काडमियम जो भी एक मेटल है, ओके, इसका पॉइजनिंग से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। उस रोग का नाम है इटाई। ओके, और दोस्तों चौथा है जो कि बार बार पूछा जाता है, कॉपर। ओके, कॉपर का पॉइजनिंग से कौन सा रोग होता है? विल्सन्स डिजीज। कौन सा रोग? विल्सन्स डिजीज। सब याद हो गया ना? देखिए, मिनामाटा डिजीज होता है मर्कुरी पॉइजनिंग से, उसके बाद प्लम्बिजिम होता है लीड का पॉइजनिंग से, उसके बाद इटाई डिजीज होता है कैडमियम की पॉइजनिंग से, विल्सन डिजीज होता है कॉपर की पॉइजनिंग से। बस इतना ही डाटा आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों, जीके क्रेच चैनल की तरफ से आपके लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस पीडीएफ में 30,000 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 10,000 पेज में है और 500 एमबी का डाटा है। इसमें दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा? आरआरबी ग्रुप डी के जो 135 शिफ्ट के ऑफिशियल आंसर की, एलपी टेक्नीशियन CBT1 के 30 शिफ्ट के ऑफिशियल आंसर की, आरपीएफ एसआई के 25 शिफ्टों के ऑफिशियल आंसर की, आरपीएफ कांस्टेबल ये
अपडेट हो गया है दोस्तों, ये 35 शिफ्ट का ऑफिशियल आंसर क्या हो गया है। साथ साथ दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का 60 शिफ्ट का ऑफिशियल आंसर क्या आपको मिल जाएगा, जो कि 2016 एग्जाम में हुआ था। साथ साथ सीबीटी 2 का भी अपडेट हो गया है यहाँ पे, और दोस्तों 1000 करंट अफेयर क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर। ये सबको दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हैं सेपरेटली तो 20-25 रुपए में बाय कर सकते हैं, और इन सभी को एक साथ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, और दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इसका डेमो का पीडीएफ भी मांग सकते हैं अगर आपका कुछ डाउट है। बड़ी मेहनत से दोस्तों ये आपके लिए ही बनाया है, इसका फायदा जरूर उठाएं। अगर आप डिस्काउंट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर भी व्हाट्सअप करना, वहीं पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। देखिए ऑप्शन में है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा क्लोरीन। ओके, क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, यानी दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है कौन, क्लोरीन। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में ये जो हैलोजन ये ग्रुप 17 में होते हैं। ओके, ये ग्रुप 17 में होते हैं, सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, उसके नीचे होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, और आखिरी में होता है आयोडीन। दोस्तों सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन है। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे छोटा कौन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बस इतना ही सवाल पूछा। दोस्तों नेक्स्ट है, कलेरू झील एक किसका त्रिकोण में पाई जाती है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। ओके, इस दोनों नदी के त्रिकोण में पाई जाती है कलेरू झील। दोस्तों एक कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुछ और भी महत्वपूर्ण झील है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों पहला है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद लोकटक झील ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये मणिपुर में स्थित है। और दोस्तों राजस्थान में भी दो महत्वपूर्ण झील है, उनका नाम है राजसमंदर झील और फतेह सागर झील। ओके, और महाराष्ट्र में दोस्तों लोनार झील है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस इतना ही याद रखना है इससे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग से कौन सा ऊर्जा होता है। सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ओके दोस्तों इसका न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, गतिज ऊर्जा जैसे कि इसको काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, एम पे हो गया द्रव्यमान और वी पे वेलोसिटी यानी वेग। ओके, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का होता है एम जी एच। ओके, एम पे होगा द्रव्यमान यानी मास, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच दोस्तों है हाइट यानी उच्चता। इस दोनों फॉर्मूला से दोस्तों न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं, ठीक से पढ़ करके जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। वीपी सिंह बदनौरे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह के सवाल दोस्तों पूछे गए थे बहुत सारे, इसलिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग जितने भी सवाल बन सकते हैं चलिए सबको डिस्कस कर लेते हैं एक साथ। देखिए दोस्तों आपके लिए यहाँ पे मैंने सभी को एक साथ कलेक्ट कर लिया है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनका नाम है दोस्तों देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट है दोस्तों, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर अभी मैंने आपको बता दिया वीपी सिंह बदनौरे हैं। दोस्तों दादरा नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ओके, नेक्स्ट दमन दीव के दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, वही दोनों के हैं एक ही। दोस्तों नेक्स्ट है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। और दोस्तों आखिरी में है, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वी नारायण स्वामी। ओके, वी नारायण स्वामी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बस इतना ही याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ओके दोस्तों इसके रिगार्डिंग दो और सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब आप पानी मिलाएंगे, ओके, यानी H2O को ऐड करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा। दोस्तों स्लेक लाइम निकलेगा। ओके, स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। ओके, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और दूसरा सवाल है दोस्तों, इसमें जब आप एसिड मिलाएंगे यानी HCl को ऐड करेंगे तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा, ये सवाल पूछा जाता है। दोस्तों CaOCl2 प्लस HCl करेंगे तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलेगा, तो क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इन दोनों केमिकल रिएक्शन को ठीक से पढ़ करके जाएगा, सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। ओके, साइनोकोबालामिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके रिगार्डिंग जितने भी सवाल बनते हैं उसको डिस्कस एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिया है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहला है विटामिन B1, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेमिन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B3, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, निकोटेनिंग एसिड या नियासिन होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरीडॉक्सिन होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B5, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पांटोथेनिक एसिड। ओके, पांटोथेनिक एसिड।
विटामिन एच का देखते हैं। विटामिन बी एच का होता है दोस्तों बायोटिन होता है। नेक्स्ट है बी ट्वेल्व जो कि सवाल पूछा गया था। ओके नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन सी। ओके विटामिन सी दोस्तों आस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। ओके विटामिन डी का क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी का एर्गो कैल्सिफेरॉल भी होता है और कोले कैल्सिफेरॉल होता है। ये दोनों विटामिन डी के वैज्ञानिक नाम है। ओके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइलोक्विन होता है। ओके ये सबको याद रखिएगा। अगर वो सवाल पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है आपके शिफ्ट में दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा किसी भी एलिमेंट यानी तत्वों का पहला सेल जो होता है के सेल होता है। ओके उसका नंबर होता है 1, उसके बाद होता है एल सेल, एम सेल, एन सेल। ओके इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 है। ओके किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितना अधिकतम संख्या हो सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n2। ओके ये एन का वैल्यू है, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए एम सेल। एम सेल का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 × 18 हो रहा है ना, 18। तो देखिए n सेल में, n सेल में कितना हो सकता है, 2n2। ओके n का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ओके l सेल में कितना होगा, 8 होगा। ओके बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ज्योमिति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यूक्लिड। ओके यूक्लिड को ज्योमिति का जनक कहा जाता है। और दोस्तों ये बाकी तीनों भी एक एक मैथमेटिशियन हैं, जैसे कि पाइथागोरस आप सुने होंगे जो समकोणी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ओके उसके बाद है रामानुजन। रामानुजन दोस्तों इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन हैं। उसके बाद फिबोनाची दोस्तों इटली के, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन है। ओके बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आसाम का राज्य पक्षी क्या है। दोस्तों आसाम का राज्य पक्षी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आसाम का स्टेट सिंबल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आसाम का जो स्टेट डांस क्या है, बिहू डांस है। ओके स्टेट एनिमल क्या है, राइनोसरस है। ओके नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों स्टेट रिवर क्या है, ब्रह्मपुत्र है। और स्टेट लैंग्वेज आप जानते होंगे, स्टेट लैंग्वेज है आसामीस। और अभी आसाम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी हैं। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। ओके और इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी है। और इसका कैपिटल क्या है, दिसपुर है। और आसाम में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 33। और इसका लार्जेस्ट सिटी क्या है, गुवाहाटी। और इसका हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में ही है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें। ओके 11वें एशियाई खेलों में कबड्डी को पहली बार शामिल किया गया। ओके दोस्तों एशियन गेम इस बार जो 2018 में कहाँ पे हुआ था, दोस्तों इंडोनेशिया का जकार्ता सिटी में हुआ था। और दोस्तों नेक्स्ट 2022 को कहाँ पे होने वाला है, चाइना में होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से तारे बने होते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के शिफ्ट में ये भी पूछा गया था, जो जुपिटर है यानी बृहस्पति ग्रह है वो किससे बना हुआ है। दोस्तों वो भी सही आंसर होगा, हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। और दोस्तों ये भी जान लीजिए, सचन यानी जो शनि ग्रह है वो किससे बना हुआ है। दोस्तों उसमें 94% हाइड्रोजन है और 6% हीलियम है। यानी जितने भी बड़े बड़े आकार के ग्रह होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बेलूर मठ ये कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता का हावड़ा में स्थित। दोस्तों ये किस लिए फेमस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रामकृष्ण मठ और मिशन का हेडक्वार्टर है, जिसको कि स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। ओके बस इतना ही याद रखना है। और दोस्तों कलकत्ता में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि विक्टोरियल मेमोरियल हो गया। और दोस्तों कलकत्ता में और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पहला है विक्टोरिया मेमोरियल और दूसरा इंपॉर्टेंट है सेंट पॉल्स कैथेड्रल। ओके हावड़ा ब्रिज है ये आपको पता होगा, उसके साथ साथ विद्यासागर ब्रिज भी है यहाँ पे। और दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे। बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है जो कि बार बार पूछा गया था, खिलजी वंश के। ओके खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके चलिए इसके रिगार्डिंग और भी कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सभी को एक साथ कलेक्ट कर दिया है आपके लिए, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों गुलाम वंश का प्रथम शासक यानी संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है खिलजी वंश। ओके जो कि एग्जाम में पूछा गया था, खिलजी वंश का संस्थापक दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक यानी पहला शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। ओके नेक्स्ट दोस्तों कौणवा वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के, ओके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दांती दुर्ग है। ओके दांती दुर्ग।
दोस्तों नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक कौन है, सही आंसर हो जाएगा गोपाल। ओके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, गुर्जरा प्रतिहारा वंश के दोस्तों संस्थापक हैं नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन, सबको रट लीजिए। ओके लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लदी। ओके नेक्स्ट दोस्तों सरकी वंश के संस्थापक कौन है, मालिक सरवर है। ओके माफ़ करना मलिक सरवर। संगम वंश के संस्थापक कौन है, हरिहर ओ बुक्का है। ओके मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर है, कौन है बाबर। नेक्स्ट दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान। उसके बाद परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र राज। ओके गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। ये सब आपको आना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो। दोस्तों सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है, मूलराज प्रथम। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयपाल। ओके हुन वंश के संस्थापक कौन है, तोरमान। ओके और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग ही हैं। ओके बस इतना ही आपको याद रखना था, सवाल इसमें से जरूर पूछे जाएंगे।